Hey, what's up, guys? Life is an Endless Vacation के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पुणे से मुंबई वाया द अटल सेतु। ये न्यूली इनॉग्रेटेड सी ब्रिज है जो कनेक्ट करता है नावा शेवा से शिवरी। इस ब्रिज से नवी मुंबई से मुंबई आप बहुत ही जल्द पहुंच सकते हो। कितना जल्दी, जानने के लिए देखते रहिए आज का ये एपिसोड। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, आज के एपिसोड में कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं फॉर अ लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम पुणे टू मुंबई। और मुंबई पहुंचने के लिए हम यूज करने वाले हैं द न्यूली इनॉग्रेटेड अटल सेतु, जो है भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज। ये एक 6-लेन ब्रिज है जिसे ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के ऊपर बना हुआ है। हम अब है पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर। इस रास्ते से हमें जाना है पनवेल तक और उसके बाद हम लेंगे डायवर्जन फॉर द अटल सेतु। लीजिए, आपसे बातें करते करते हम पहुंच गए हैं फूड मॉल और ये वक्त कैसे कट गया पता ही नहीं चला। यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, रिफ्यूल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हम अब पहुंच गए हैं लोनावला और क्रॉस करेंगे यहाँ के टनल। लोनावला की टनल जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, हमको सामने दिखने लगता है ड्यूक्स नोज। ये नाक के फन के जैसा दिखता है, इसके लिए इसे नागफणी भी कहते हैं और ये प्रोमिनेंट पिनाकल है सह्याद्री रेंज का। यहाँ पर वैली क्रॉसिंग और रैपलिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे 4 लिम्का रिकॉर्ड्स है और इसीलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अब हम क्रॉस करने जा रहे हैं पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे का आखिरी टनल और इसके बाद हम जल्द ही पहुंच जाएंगे पनवेल, जहां से हमको लेना है एक डाइवर्जन सो दैट वी कैन ड्राइव ऑन द अटल सेतु। एक्सप्रेसवे जहां पर खत्म होता है वहां से 8 किलोमीटर पहले हमने लिया है लेफ्ट टर्न। इस एग्जिट को कहते हैं जेएनपीटी एग्जिट और ये रास्ता पनवेल से होकर जेएनपीटी और उरण जाता है। अब तक की ड्राइव काफी स्मूथ थी, लेकिन जैसे ही हमने एग्जिट लिया है तो बड़े बड़े ट्रेलर्स हमारे सामने हैं और ड्राइव करने में दिक्कत हो रही है। ये आ गया है पनवेल सिटी का फ्लाईओवर और यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ के ड्राइव करते रहेंगे जेएनपीटी के डायरेक्शन में। इट इज ऑलमोस्ट 5 PM और सनसेट का टाइम हो ही रहा है। हम वेस्ट डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए सूरज एग्जैक्टली हमारे सामने है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेने के बाद कुछ आधा घंटा हमने ड्राइव किया है। अब तक हम चल रहे थे उरण के डायरेक्शन में, लेकिन अब हमें लेना है एग्जिट। यही वो एग्जिट है जो हमें इस रोड के परपेंडिकुलर रोड पर ले जाएगा, जहां से शुरू होता है अटल सेतु। तो अब दिल थाम के बैठिए गाइस, क्योंकि जस्ट आफ्टर दिस टर्न वी आर गोइंग टू बी ऑन इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। यूहू, अमेजिंग। एंट्री पर ही वो अमेजिंग वाली फीलिंग आ रही है एंड आई एम डैम एक्साइटेड। मुझे तो ऑलरेडी गूज़बम्स हो रहे हैं। वी आर नाउ ऑन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड अटल सेतु। फील्स ऑसम। इस सेतु की शुरुआत में ही इसे इंजीनियरिंग मार्वल क्यों कहा जा रहा है, इसकी अनुभूति होती है। और अभी तो हम समुद्र के ऊपर पहुंचे भी नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सिंह जी नावा अटल सेतु। यस, ये सेतु भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है।
ये विकसित भारत की दिशा में हमारी जायंट लीप है। इसे बनाकर पूर्ण करने के पीछे 17,000 मजदूर और 1500 इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत है। इसे बनाने में 17,840 करोड़ की लागत लगी है और इस ब्रिज को रोज 70,000 लोग यूज करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इस ब्रिज का ओवरलैंड पार्ट हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और अब हम ड्राइव करेंगे समुद्र के ऊपर, लेकिन उससे पहले हमें टोल पे करना पड़ेगा। कार का टोल है 250। It was a smooth passage. तो हमने कार के लिए 250 रुपीस का टोल पे किया है और यहाँ पे कोई बूम बैरियर नहीं था, इसके लिए हमको बहुत ही स्मूथ पैसेज मिल गया। 250 रुपीस का टोल माइट साउंड अ लिटिल एक्सपेंसिव, पर अगर मुंबई में वक्त बचता है तो आई थिंक इट इज टोटली वर्थ इट। आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। Amazing guys. Look at that. तो अब हम समंदर के ऊपर हैं और मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। इस ब्रिज का इनॉग्रेशन हाल ही में हुआ था और इनॉग्रेशन के लिए लाइट पोल्स पे बने तिरंगे बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। एंड दीज आर एडिंग टू द एक्साइटमेंट। इन्हें देखकर समझ में ही नहीं आ रहा कि लेफ्ट में समंदर की खूबसूरती निहारे या राइट में इनकी। यहाँ से कोलाबा है 30 किलोमीटर, वडाला 23 और मुंबई पोर्ट 24। ड्राइव करते करते सनसेट हो ही रहा है और समंदर में डूबने को तैयार बैठा सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सनसेट का ये मनमोहक दृश्य देखते देखते ड्राइव करने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। लेफ्ट में है बढ़िया सा सनसेट और राइट में ये बड़े बड़े बलून्स जो इनॉग्रेशन के लिए लगाए गए थे, ये भी उतने ही मनमोहक लग रहे हैं। ड्राइव करते करते हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, तो हमने सोचा हम भी एक चांस ले लेते हैं। एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन क्योंकि हमको यहाँ मिले कुछ बेहतरीन शॉट्स। छोटा सा ब्रेक तो हमने ले लिया, यहाँ पे एक्चुअली रुकना अलाउड नहीं है, लेकिन अभी जस्ट शुरुआत ही है तो आई थिंक पीपल आर टेकिंग द लिबर्टी।
लेफ्ट में समंदर में जो हिल है वहाँ है एलिफेंटा केव्स एंड दैट लोन हिल इन द सी एंड द सेटिंग सन इज एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। इस रोड पर ये ड्राइव इज जस्ट फैब। मुंबई में इतनी खाली सड़कें मिलना इज जस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल। मुंबई में खाली सड़कों पर ड्राइव करते हुए समंदर में डूबते सूरज को निहारना ये आज तक का मेरा सबसे रोमांचकारी अनुभव रहा है। मैं इस ड्राइव को तहे दिल से एंजॉय कर रहा हूँ। दिस इज एन अमेजिंग इवनिंग गाइस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट्स इन मुंबई। I am just loving this drive और मेरी excitement आप देख ही सकते हो। Yo man, दूर पर अब मुंबई की skyline दिखाई देने लग गई है और ये indication है कि ये drive जल्द ही खत्म होने वाली है। ये ब्रिज ईस्टर्न फ्रीवे पे ख़त्म होता है जहाँ से लेफ्ट लेके आप पहुँच सकते हो कुलाबा और राइट में है शिवडी। सामने वाला बोर्ड यही बताने के लिए लगाया गया है और ये इंडिकेशन है कि अटल सेतु अब ख़त्म होने वाला है और आप मुंबई में इंटर करने वाले हो। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अब हम हैं ईस्टर्न फ्रीवे पे और यहाँ तक आने के लिए हमको लगे हैं 40 मिनट। ऑफ कोर्स 10 मिनट हम बीच में रुके भी थे, तो इफेक्टिव टाइम टू रीच फ्रॉम नावाशेवा टू शिवडी वाया द अटल सेतु इज 30 मिनट्स। ये मुंबई स्टैंडर्ड से काफ़ी फास्ट है, तो डेफिनेटली टाइम तो बचेगा, लेकिन कितना ये डिपेंड करता है आप कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हो। क्योंकि अटल सेतु पर भले ही रोड खाली हो लेकिन एंट्री और एग्जिट पे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा ही और वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप भी कीजिए ये रोमांचक ड्राइव और आपका एक्सपीरियंस कमेंट्स में हमसे जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आपको एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जिंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।